गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो स्टार्ट द चैप्टर इज 11 द स्टोरी गेम. सो द स्टोरी गेम, इसमें आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें आपको चूज करनी है कि जब आप फ्री होते हो तो व्हाट डू यू प्ले इन अ फ्री टाइम. ठीक है, आप अपने फ्री टाइम पे क्या करना पसंद करते हो. ठीक है, सो यू विल सिलेक्ट ओनली टू. सो स्टार्ट चैप्टर. इट इज़ अ रेनी इवनिंग. ठीक है, इवनिंग का टाइम था, रेनिंग थी. ठीक है, और अशरफ एंड असीम आर इनडोर्स विद देयर फादर. वो अपने घर पर अपने फादर के साथ थे. देयर कजिन्स रजिया एंड अलीमा आर देयर टू. वो भी उनके साथ थे. तो साथ में फादर के कौन कौन थे? अशरफ, असीम, रजिया एंड अलीमा. द फादर सेज लेट्स प्ले द स्टोरी गेम. आई विल स्टार्ट अ स्टोरी. उसके पापा बोलते हैं फादर कि हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, प्ले करेंगे हम. तो मैं स्टोरी स्टार्ट करूँगा एंड ईच ऑफ विल यू विल ऐड एंड अ सेंटेंस आर टू इट. आप उस स्टोरी के अंदर कोई भी एक सेंटेंस ऐड करोगे या फिर टू सेंटेंसेस ऐड करके उस स्टोरी को हम कंप्लीट करेंगे. यानी उसके पापा ने एक स्टोरी स्टार्ट की, फिर उसमें एक बच्चे ने ऐड कर दी, फिर कुछ और बच्चे ऐड कर रहे हैं, फिर कुछ और ऐड कर रहे हैं. तो देखो कैसे करते हैं. ठीक है, द चिल्ड्रन शाउट व्हाट फन. ये क्या मज़ा है. तो फादर पहले स्टार्ट करते हैं. फादर, अ स्पैरो फैमिली लिव्स इन अ बनियन ट्री नियर अ रिवर. एक स्पैरो फैमिली थी, वो कौन से ट्री पे रहती थी? बनियन ट्री पे रहती थी, जो क्या होता है, बहुत ही बिग ट्री होता है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. और वो ट्री कहाँ था? नियर अ रिवर. वन डे सम पिजन्स आउल्स एंड पैरट्स कम टू द ट्री. तो ट्री पर बहुत सारे क्या आए? पिजन आए और आउल्स आए और पैरट्स आए. दे आस्क मिस्टर स्पैरो मे वी मेक अवर हाउसेस इन दिस ट्री. क्या मैं भी इस पेड़ के अंदर अपना घर बना सकता हूँ? किससे पूछा? स्पैरो से. तो स्पैरो ने कहा येस ऑफ कोर्स, सेस मिस्टर स्पैरो. स्पैरो ने कहा. सो द बर्ड्स लुक्स अराउंड इन द ट्री एंड चूज अ प्लेस फॉर देयर हाउस. तो सब बर्ड्स अपना अपने हाउसेस बनाने के लिए प्लेस सिलेक्ट करने लगे, जगह ढूंढने लगे. मिस पिजन चूज अ ब्रांच एंड सेज. मिस पिजन ने एक ब्रांच चूज की और कहा दिस इज अ नाइस, आई एम मेकिंग माई हाउस ऑन दिस ब्रांच. मैं अपना घर इस ब्रांच पर बनाऊंगी. किसने लाइन ये ऐड की? ये लाइन ऐड की अशरफ ने. किसने? अशरफ ने. अब देखो असीम ने स्टोरी के अंदर क्या ऐड की? असीम ने स्टोरी के अंदर लाइन ऐड की मिसेस आउल चूसेस हर प्लेस एंड सेज. आउल ने अपनी प्लेस सेलेक्ट किया, कहा ओ दिस इज़ अ लवली प्लेस, ये बहुत अच्छी जगह है. आई एम मेकिंग माई हाउस इन दिस हॉल हेयर. उसने कहा मैं अपना घर इस हॉल के अंदर बनाऊंगा. फिर ऐड किया रजिया ने. रजिया ने कहा मिसेस पैरट सेज आई थिंक द ब्रांच अबव द स्पैरोज होम इज गुड फॉर मी. उसने कहा मिस पैरट ने, मेरे ख्याल से तो ये जो ब्रांच जो है स्पैरो के ऊपर वाली जो ब्रांच है इस पर मैं अपना घर बनाऊंगी. इट इज़ गुड फॉर मी. शी लुक्स अप, ओह लुक देयर आर कैटरपिलर्स अंडर द लीव्स. उसने देखा कि वहाँ पर कुछ कैटरपिलर्स हैं लीव्स के अंदर. तो ये वाली लाइन किसने ऐड की? ये लाइन स्टोरी के अंदर रजिया ने ऐड की. अब अलीमा क्या कहती है? There is a lots of food for everyone. The trees nearby have juicy berries. Juicy berries क्या है? ये berries हैं. For all the birds. Mrs. Owl finds lots of tiny animals on the ground. The sparrow family helps their new friends. The birds are very happy in their new houses. तो देखिए उसने कहा, अलीमा ने कहा कि ये वाला जो घर जो है ये घर तो बहुत ही अच्छा है. एंड उसने बोला इसके घर के पास क्या है? एक जूसी फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं. वो सब एनिमल्स के लिए, सब बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी क्योंकि बहुत उनके घर के पास ही
क्या मिल जाएगा उनको खाने के लिए? फूड मिल जाएगा. मिसिस आउल फाइंड हर्स लॉट्स ऑफ टीनी एनिमल्स. और मिसिस आउल जो है वो बहुत सारे छोटे एनिमल्स को ग्राउंड पर ढूंढना भी इजी रहेगा. एंड स्पैरो फैमिली हेल्प्स देयर न्यू फ्रेंड्स. स्पैरो की जो फैमिली है उनसे न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए उसकी हेल्प की. द बर्ड्स आर वेरी हैप्पी. और बर्ड्स बहुत खुश हुए. तो देखो सब बच्चों ने अपनी तरफ से उस स्टोरी के अंदर लाइन को ऐड किया, उस स्टोरी को कंप्लीट कर दिया. तो फादर ने कहा दिस इज़ अ लवली स्टोरी, नाउ हूज स्टोरी टेलिंग इज़ द बेस्ट. अब किसकी स्टोरी अच्छी थी? बच्चे क्या करने लग गए? सोचने लगे. थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा देन असीम सेज, असीम ने कहा आई थिंक अलीमा स्टोरी टेलिंग इज़ द बेस्ट. ऑल द कजन्स एग्री विद हिम. और सब बच्चों को ये सही लगा कि अलीमा ने जो स्टोरी बताई है वो वाली लाइन सबसे अच्छी है. सबसे अच्छी क्यों है? क्योंकि उसने उस लाइन के अंदर ये बोला कि घर कहाँ पर होना चाहिए. घर वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर सबको सब अच्छे से फूड अवेलेबल हो, सबको अच्छे से फूड मिल जाए. तो उन्हें कैसा घर चाहिए था? कि उनके घर के पास एक कौन सा ट्री था? बेरीज का ट्री था, है ना. और खेलने के लिए और इन्जॉय करने के लिए उनके पास छोटे एनिमल्स भी थे. तो ये सबसे लाइन जो स्टोरी के अंदर ऐड की है वो अलीमा ने ऐड की है. ओके, तो आप इस वीडियो को 2 and 3 times वॉच करेंगे, ठीक है, और इस चैप्टर को रीड करेंगे. थैंक यू.